मैं तो किस किस का शुक्रिया अदा करूं कि मतलब मैं जब याद करने बैठूंगा तो याद भी नहीं आएंगे, और ऐसे ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनकी तो जिक्र करना ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने किया है उनकी जिक्र करना है। मैं जी ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया है जो 200, 500 या 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। दो भाई आप जब आ गए थे ना, तो फिर थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा चलो कोई इंसान तो पहुंच गया। अर्जुन, कितने कितने महीने या कितने साल के अंदर ये मूवी आपकी पूरी हो पाई? मूवी तो हम लोगों ने इसको, मैंने लिखना इसको 2012 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और 2014 से पहले हमने कंप्लीट कर लिया था इसको इसकी लिखना। स्क्रिप्ट में कि स्क्रिप्ट जब लिखी गई तो किस कौन कौन लोग साथ में थे? स्क्रिप्ट बेसिकली डॉक्टर एम आर रायपुरिया जी ने लिखी है, ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से हैं, अनुन मानवर गांधीराम साहब PhD किया है, और मैंने उसका स्क्रीन प्ले लिखा है, और हम लोगों ने इसको 1.5 साल में लिखा था, उसके बाद हमने 2014 में इसको कंप्लीट कर लिया था। तमाम बातें सोशल मीडिया पर आपके द्वारा जो बयान है आपको दे दी गई हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस फिल्म को बनाने में जो मुख्य परेशानी आपको हुई वो क्या थी? एक्चुअली में सबसे बहुजन मूवमेंट या बहुजन से रिलेटेड कोई भी बंदा बिजनेस करता है या फिल्म मेकिंग करता है, कुछ भी करता है, तो उसको सबसे जो बड़ी समस्या है ना, वो आर्थिक समस्या है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो, या जो बिजनेसमैन, जो लोग बहुजन मूवमेंट से निकल के बिजनेसमैन बन गए हैं वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो जो सपोर्ट करना चाहते हैं उनके पास एक्चुअल में ना है नहीं पैसा सपोर्ट करने के तो लिए। क्या कहने के क्या क्या कहना चाहेंगे कि जो समाज है हमारा, इस जो समाज के अंदर 2-3% तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अरबपति भी हैं। देखो, अरबपति भी हैं और उससे भी ज़्यादा हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन या तो दो चीज़ें, एक तो उनको बिलीव दिलाना कि हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम उस समय एज, मतलब जब स्टार्ट कर रहे थे, तब मैंने जब स्टार्ट किया था तब 22-23 साल एज थी, तो लोगों को बिलीव दिलाना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि लोग कहेंगे यार बच्चा है और पता नहीं इस उम्र में पैसा दे दिया, इसको क्या करेगा, ठीक है, तो वो प्रूव करना। और कुछ ऐसा भी है कि लोग चाहते भी नहीं है करना। कुल मिलाकर आज आपकी फिल्म रिलीज हो रही है वो यूट्यूब पर ही सही, छोटे छोटे लेवल पर ही सही, हाँ, लेकिन छोटा लेवल यूट्यूब नहीं है यूट्यूब अपने आप में यूट्यूब विश्व का। यूट्यूब पे रिलीज करना मतलब वर्ल्ड वाइड रिलीज करना। सिनेमा हॉल में कई जगह हम कर चुके हैं, लेकिन यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी आज आज यूट्यूब को कॉपी करके लोग नेटफ्लिक्स और वो तमाम प्रकार की सोशल वो मार्केट में चल रही हैं, जो भारी संख्या में आप नेटफ्लिक्स देखो, ऑनलाइन ऑनलाइन जितनी चीज़ें देखी जा रही हैं, वो सिनेमा को आने वाले 3-4 साल में ख़त्म कर देंगे। जी सिनेमा हॉल में लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जब जिसके पास समय होगा उसके हाथ में सिनेमा होगा, वो बैठ के देखेगा अपने पसंद बिल्कुल। की चीज़। तो आज आज खुशी का इजहार किन शब्दों में करेंगे? मैं तो किस किस का शुक्रिया अदा करूं कि मतलब मैं जब याद करने बैठूंगा तो याद भी नहीं आएंगे, और ऐसे ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया है, और जिन्होंने नहीं किया उनकी तो जिक्र करना ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने किया है उनकी जिक्र करना है। मैं जी ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया है जो 200, 500 या 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, तो उनका शुक्रिया अदा करना मतलब मेरे पास तो बॉडी नहीं है उनके लिए। एक एक व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा होता है और अगर वो सपोर्ट करता है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है और अगर वो सपोर्ट करने के लिए आपके सामने आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तहे दिल से है ना, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन्हीं की वजह से है ना ये मूवी यूट्यूब पे, जहाँ भी रिलीज हुई है यूट्यूब पे आज करने वाले हैं, वो सब उन्हीं की वजह से है, क्योंकि टैलेंटेड लोग तो बहुत हैं दुनिया में, समाज में, लेकिन टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं, तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन्हीं की वजह से यहाँ हूँ, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या अपेक्षाएं हैं? अगर ये फिल्म सुपर, वैसे तो हिट है अपने आप में, नाम ही इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, आगे भविष्य में क्या आपकी जो योजनाएं हैं?
भविष्य में बहुजन महापुरुष हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इतना रिस्पॉन्स मिल जाए कि हम लोग चलते रहें और काम करते रहें, इतना रिस्पॉन्स मिल जाए। आगे भी मतलब मूवी बनाने का प्लान है? हाँ, आगे मेरा एक मेरी अगली फिल्म की जो कहानी हमने कंप्लीट की है वो दौड़ ए रन फॉर फ्रीडम है, जिसमें मार्केट के कलाकारों को कास्ट किया है हम लोगों ने। जल्दी उसकी जब फर्स्ट लुक लॉन्च करेंगे तब मैं मीडिया को बुला के, सबको बुला के उसका वो बताऊंगा कि क्या है फिल्म का, कैसे करने वाले हैं। और उसके बाद भी मेरे पास कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट बहुत हैं, क्योंकि हमारे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि किसी ने हमारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान ही नहीं दिया है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप ये एडिटर हैं? हाँ, ये स्टोरी बताई थी आपकी कि आप पुणे में से स्टार्ट किया था और आपके अपनी जगह की इच्छा कुछ इनकम हो सकता है तो फिर आप दिल्ली। सर, ग्वालियर से आए हमारे मित्र अंजुल तथागत, लाइव यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर से आए हैं और आज द ग्रेट लीडर फिल्म की शूटिंग में, कैसा अनुभव रहा? काफ़ी अच्छा रहा, और थोड़ा दिल्ली काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो मैं मेट्रो वेट्रो का सिस्टम थोड़ा समझ नहीं आया, तो थोड़ा भागते दौड़ते आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आने का जो सारे बहुजन मीडिया को एक साथ देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब बेसिकली मैं दूसरा कारण मेरा ये आने का यही था कि सारे बहुजन मीडिया से एक साथ मिल सकूँ, उन सबके साथ वीडियो बना सकूँ। तो अभी क्या लगा कि जो मीडिया पर्सन जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको मिले हैं, व्यवहार में क्या लगा उनका? व्यवहार तो बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी लोगों ने मुझे पहले से पहचान लिया और मैंने भी उनको पहचाना। काफ़ी मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे थे। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है? ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, ऐसा लगा था कि हम लोग है ना हमेशा मिलते ही रहते हैं, क्योंकि तो वीडियोस तो हम देखते ही रहते हैं दूसरे की, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस मैं अच्छा हूँ। तथा करके अनुपम का पीछे ठीक है अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर? मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको देखकर यहाँ पर। सर अच्छा, तो आप लोग भी हैं? ये दोनों साथ में ही आजकल काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे वही खाएगा जी, तो आपको अपना मीडिया हाउसेस खोलना पड़ेगा जी। वो आपके पत्रकार नहीं तो कैसे होगा जी? तो आप अपना पत्रकार बनाइए, अपना मीडिया हाउसेस खोलिए, तभी जाके आपको फायदा आएगा। उन्होंने जहाँ पूंजी लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, वहाँ क्यों नहीं तुमने को डेट दी थी? विसारिया जी कैसे मजबूत हो रहे कि तमाम संसाधन जो सोशल मीडिया के लिए जरूरी है वो इकट्ठा कर लिया है लोगों ने, और इस तरह पत्रकार हैं और एक बड़ा पैनल है यहाँ। चंद्रशेखर आजाद रावण पहुँचे हैं, सम्राट बख्शी साहब हैं, और तमाम वो लोग हैं जिनके चेहरे से आप वाकिफ होंगे। तो मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से भोजन समाज मजबूत हो रहा है, और वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार का बहुत मुहताज नहीं है। उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स मिल गए हैं, कम्युनिकेशन टूल मिल गए हैं, और वो अपने लोगों तक अपनी बातें अपने तरीके से पहुंचा रहा है, और इसी को कहते हैं सोशल मीडिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन मीडिया है, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं, और मैं इसे किसी पॉलिटिकल टूल की तरह देख रहा हूँ। एक सामाजिक बदलाव के लिए, एक राजनीतिक बदलाव के लिए कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया, वो देख रहा हूँ। और ये तमाम लोग जो हैं, तमाम जो आप कैमरे देख रहे हैं, एक दो तीन चार, एक दर्जन से ज़्यादा, इसी तरह की हालत बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर में होती है, वहाँ टेलीविजन अखबार के पत्रकार होते हैं। लेकिन सोचिए कि बहुजन समाज कैसे अब सामाजिक रूप से एकजुट हो रहा है, और उसके पास जो टूल आया सोशल मीडिया उसका वो उपयोग कर रहे हैं, और सब लोग शानदार।
क्या नाम है आपका? आपके चैनल का नाम? अच्छा, बहुजन ठीक है। अरे आपका तो बहुत फेमस चैनल है। तो कब से काम कर रहे हैं? अभी एक महीना हुआ। मैं इसे कहता था कि अपने लोगों को पावर सेंटर्स पे आना चाहिए, और मीडिया एक पावर सेंटर्स है। गजेंद्र हैं, इन सबको आप जानते हैं, इनको जानते ही होंगे, और इनका चैनल है ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क। जरूर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे साथी हैं, बताइए नाम। सुशील बालेश्वरी। चैनल का नाम। वोटिंग भी करते हैं, इंटरव्यू भी कर लेंगे, और तो इसलिए मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण चौहान। अच्छा, आप लोग बताइए। अरुण गौतम, पोस्टिंग टीम से। आशु गौतम।